हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं बिहार पुलिस एग्जामिनेशन 2024 जो कि शुरू होने वाला है, उसके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगातार दो बार राष्ट्रपति बनने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अगला क्वेश्चन है कि दो बार उपराष्ट्रपति तथा एक बार राष्ट्रपति बनने वाला शख्स निम्नलिखित में से कौन है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन इसका सही आंसर है। अगला है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्रकरणी मतगणना करनी पड़ी थी, तो वह कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे मतलब चक्र की मतगणना की करने आवश्यकता पड़ी थी। बीबी गिरी सही आंसर है। उस राष्ट्रपति का नाम क्या था जो एक चुनाव में हार गए और फिर बाद में निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी इसका सही आंसर है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा गया, राष्ट्रपति को। भारत की प्रथम समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति के अंदर। भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो संविधान के अनुच्छेद 58 में इसके वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार कहा जाता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र जो है 35 वर्ष की आयु कर चुकी हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और वहीं पर चुनाव के समय लाभ के पद पर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। 11वां नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ये बिहार दरोगा एग्जामिनेशंस में जो फिलहाल हुआ उसमें ये जो है पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचित मंडल का सदस्य कौन होता है, तो निर्वाचित मंडल का सदस्य जो होता है राज्यसभा, लोकसभा के और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही सिर्फ भाग लेते हैं, तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के निर्वाचित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सांसदों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है, तो दिल्ली यानी कि डीपी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, जितनी बार वह चाहे उतनी बार हो सकता है, बस उसकी उम्र जो आपकी कैटेगरी है 58 नंबर अनुच्छेद में उसको पूरा करना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह का है, तो अप्रत्यक्ष रूप से यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। समानुपातिक प्रणाली कहने का मतलब है कि प्रत्येक राज्य के चुने हुए विधायक और लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद वोटिंग से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जिसको एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य देखेंगे, प्रत्येक राज्य का क्या गया, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य निर्धारित किया गया है। सांसदों का अलगमत मूल्य निर्धारित किया गया है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य कितना होता है, तो राज्य की कुल जनसंख्या उससे भाग देते हैं 1000 और विधायक की कुल संख्या से हम लोग गुणा कर देते हैं, उस समय आपको आज है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य प्राप्त हो जाता है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ऐसे में 5 सालों का। राष्ट्रपति के मासिक वेतन कितना निर्धारित किया गया है, 2 लाख बताया गया, लेकिन अब ये बढ़ाकर के 5 लाख के ऊपर कर दिए गए हैं, 5 लाख हो गए हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद भारत के राष्ट्रपति को कितना सालाना पेंशन मिलता है, ये देख लेंगे, 9 लाख रुपए इसको बताया गया है, आगे पीछे हो गया होगा, इसको ध्यान मत दीजिएगा। क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन और भत्ते घटाए जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकता है, उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायी शक्ति होती है, तो याद रखेंगे भारत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोई कानून नहीं बन सकता है, यह उसके पास विधायी शक्ति होती है, इसका राष्ट्रपति का विधायी शक्ति कहते हैं। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। संसद के सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने की जिम्मेदारी भी किनके पास है, राष्ट्रपति के पास। वो लोकसभा के प्रथम संबोधन करता है और वहीं पर संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण देता है, जिसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा। किसी राज्य या पूरे देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास। 25वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है, अनुच्छेद नंबर 352, अनुच्छेद नंबर 356 और 360 में। याद रखेंगे अलग अलग प्रकार के, 3 प्रकार के जो है आपातकाल लागू किए जाते हैं भारत में। संसद के स्थगन के समय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद नंबर 123 के तहत। क्वेश्चन है कि मृत्यु दंड की सजा को
माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? तो अनुच्छेद नंबर 72 से मिलता है। किस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है? तो धन विधेयक, याद रखेंगे। किस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरत होती है? धन विधेयक, और धन विधेयक किसमें? लोकसभा में पारित किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है? यह अनुच्छेद नंबर 143 में। भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार के वीटो प्रदान शक्तियां प्रदान की गई है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो शक्तियां मतलब जो है वह प्राप्त है, उसमें देख लेंगे। पहला है अत्यधिक वीटो, इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख सकता है, यानी वो अनुमति नहीं दे सकता है। निलंबन वीटो होता है, इसमें आप लोग ये देखते चलिएगा। और उसके बाद विशेषाधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति के पास, जो वीटो विशेषाधिकार वीटो भी इसके पास प्राप्त होता है। तो आगे चलते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग जो है चंपारण से शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, में से किसने कहा था? तो याद रखेंगे लोकमान तिलक, ऑप्शन नंबर बी इसका, बाल गंगाधर तिलक ही इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से गांधी जी से जुड़े हुए थे? सही आंसर है सरोजनी नायडू से नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी से जुड़ने वाले व्यक्ति है, जो दिए गए ऑप्शंस में है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उत्थान के जिन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था? दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिपन के द्वारा इल्बर्ट बिल जो है वो प्रस्तावित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना किया था? सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, तो महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ 1900 जो है आपके पास से देखेंगे 17 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था, तो महात्मा गांधी के द्वारा साप्ताहिक जो अंग्रेजी ये पत्रिका था उसका नाम क्या था? यंग इंडिया इसका राइट आंसर है, महात्मा गांधी इसके इन्होंने संपादित किया था। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का एक प्रमुख अधिकारी थे? सही आंसर है शाहनवाज खान, आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। 42 नंबर, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? यह जो है चर्चिल के पास से, ये चर्चिल का यह कथन था। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी? सही आंसर है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाई गई। गद्दर पार्टी के मुख्यालय कहाँ था? तो गद्दर पार्टी का मुख्यालय जो था सैन फ्रांसिस्को में उपस्थित था। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था। किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? सही आंसर है गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी के नाम से जाना गया है। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किस आंदोलन प्रारंभ किया था? स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किस आंदोलन को प्रारंभ किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण से। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर है इटली जो था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था भारत की आजादी के समय। अगला प्रश्न देख लेंगे, 49वां नंबर क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित था? सही आंसर है प्रांतीय स्वायत्ता से संबंधित था। अंतिम नंबर क्वेश्चन की प्रश्न कहता है दोस्तों की भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में प्रारंभ किया था। शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ लगातार जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद।